जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है वैकुंठ चतुर्दशी का, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है वैकुंठ चतुर्दशी का, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 में से 13 दिए लंबी बत्ती के लगाएं और एक दिया गोल बाती का लगाएं। गोल बाती का दिया जो लगाएंगे घी का, उसमें 14 दिया में से एक दिया, अगर कहते हैं दुनिया के लोग भगवान उन दियों को स्वीकार करता है या नहीं करता है, उन दियों में भगवान आनंद पाता है या नहीं पाता है, तो निवेदन रहेगा जब घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए, आप मिट्टी का दिया लगाएं या आटे का दिया लगाएं और जिस भी कामना से दिया को जलाएं, 14 दिया में से जो आपका फूल बत्ती का दिया रहेगा उस पर थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रख कर देखना, जो उसमें कालोज जमती है, जो काजल जमता है, उस कालोज को, उस काजल को दूध में घोल कर देखना। अगर आपका निर्मल भाव है और आपके अंदर भगवान को पाने की ललक है, भगवान पर आपको पूर्ण विश्वास है, तो हरिहर का दर्शन आपको दूध में ही करने को मिल जाएगा। इसका प्रमाण इस कालोज से ही होगा। ये जो काजल आप दूध में डालेंगे, अगर उसका रंग केसरिया हो जाता है, इसको आप आज ही 11 बजे की रात जब आप पूजा करेंगे तो प्रैक्टिकल करके देखना कि हरि हर मिलन का दीप, सुख देने वाला, आनंद देने वाला, जो भगवान के सम्मुख आपने जिस भाव से लगाया है, उसकी कालोज जब आप दूध में मिलाएंगे वो केसर कलर का हो जाएगा। बस हल्का सा कालोज दूध में डालना है, ज्यादा नहीं। और ये दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना है। आपने रात को 11 बजे के बाद पूजा किया, पूजा करने के बाद आप आराम से सो जाइए और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और फिर से जब भगवान का पूजा करेंगे, जैसे कल कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा की ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान शिव का पूजा करेंगे, तो पूजा करने के बाद आप उस कालोज को दूध में मिलाइए और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, उस बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए, थोड़ा सा दूध 2 चम्मच उसमें शक्कर मिलाकर उस बच्चे को पिला दीजिए, फिर आप देखिएगा उसकी बुद्धि प्रबल हो जाएगी। दोस्तों, ये वैकुंठ चतुर्दशी सहज नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।